नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कल रात पंजाब के अमृतसर में रावण दहन के दौरान हुए भीषण रेल हादसे के मामले में एक के बाद एक नए पहलू सामने आते जा रहे हैं और इसे लेकर देश में राजनीतिक बहसबाजी भी काफी तेज होती जा रही है। इन सब के बीच स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को रेलवे की लापरवाही बताते हुए विरोध प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। पंजाब के अमृतसर में हुए इस भीषण रेल हादसे के बारे में जब मीडिया संवाददाताओं ने स्थानीय लोगों से उनकी राय जानी चाही, तो स्थानीय लोगों ने सरकार और रेलवे को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वे इस घटना का खुलकर विरोध करेंगे और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इस रूट पर से एक भी ट्रेन गुजरने नहीं देंगे। लोगों ने अपने विरोध के लिए ट्रैक को घेरना भी शुरू कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक यह लोग किसी बड़े विरोध या धरना प्रदर्शन जैसी योजना भी बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त यहां पर एक रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इस दौरान कई लोग रेलवे ट्रैक पर भी मौजूद थे, लेकिन तभी अचानक से एक के बाद दोनों ओर से दो तेज रफ्तार ट्रेनें आ गई और इनकी चपेट में कई लोग आ गए। इस हादसे में अब तक 61 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 72 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।